हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वोकैबुलरी पार्ट 11। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने सबलूनरी, और इसका मतलब होता है सांसारिक। फ्रेंड्स, सबलूनरी को पहले ब्रेक कर लेते हैं। सब लोगों को नारी का सम्मान करना चाहिए संसार में, यानी संसार में सभी लोगों को नारी का सम्मान करना चाहिए। सबलूनरी मीन्स सांसारिक, याद हो जाएगा, ठीक है सोनू? नेक्स्ट इनक्योरेबल, इसका मतलब होता है लाइलाज। फ्रेंड्स, क्योरेबल जो क्योर नहीं हो सकता, ओके, इनक्योरेबल याद हो जाएगा, लाइलाज। नेक्स्ट है हमारे पास टेरिफिक, और इसका मतलब होता है भयानक। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड पर बहुत भयानक ट्रैफिक लग जाता है, टेरिफिक से आप बना लो ट्रैफिक, और कभी कभी इतना भयानक ट्रैफिक लग जाता है कि एक दो घंटे लग जाते हैं उसको खुलने में, होता ही नहीं होता, टेरिफिक मींस भयानक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिसइंक्लाइंड, और इसका मतलब होता है अनिच्छुक। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो क्लाइंट आते हैं ना, वो डिश जो खाना खाते हैं उसको साफ करने के इच्छुक नहीं होते हैं। देखिए, आपका एक होटल है और क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट आते हैं यानी खाना खाने के लिए, वो डिश धोने के इच्छुक नहीं होते हैं, ओके, डिसइंक्लाइंड मींस अनिच्छुक। नेक्स्ट है बच्चों फर्वेंट, फर्वंट, और इसका मतलब होता है उत्सुक। फर्वेंट से क्या याद आ रहे हैं? फर, अगर आपके फर लग जाए तो आप वेंट, यानी अब वैन की जरूरत पड़ेगी आपको जाने में नहीं, आपने बस फर पहने और चलिए, आप वैन का इंतजार नहीं करोगे, बल्कि आप उत्सुक रहोगे कि बस कभी भी फर पहनो और निकल पड़ो घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर। फर्वेंट मींस उत्सुक। नेक्स्ट है हमारे पास अनरिपेंटेंट मींस बेरहम। फ्रेंड्स, देखिए, अन से बना लो अंडे, और रीपेंट दोबारा से पेंट करने ले जा रहे हो, और कहां पर? टेंट में। मतलब आप कितने बेरहम हो कि आपने अंडे लिए और उनको दोबारा से रीपेंट मतलब दोबारा से पेंट करने के लिए लेके जा रहे हो, किसमें? टेंट में। आखिरकार अंडों को भी दर्द होता है ना, अंदर बच्चे रहते हैं उसमें, ठीक है। अनरिपेंटेंट मींस बेरहम। नेक्स्ट है इंपाउंड, और इसका मतलब होता है जब्त करना। फ्रेंड्स, इंपाउंड मतलब आपका एक पाउंड था, पाउंड से पौंड बना लो, पौंड, पौंड मींस तालाब, और उसको जब्त कर लिया गया सरकार द्वारा। इंपाउंड, एक पाउंड था आपका, पाउंड यानी पौंड, ओके, ठीक है, जब्त कर लिया गया। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट, और जब्त करना, इसका मतलब भी सेम यही है। तो कौन, ये कहते हैं ना फिश और कैट, ये कौन की फिश और कैट है जो आपस में लड़ रही है, और लड़ते लड़ते क्योंकि रोड पर आ गई थी तो पुलिस वालों ने उनको भी जब्त कर लिया, और आप पूछ रहे हो कि ये कौन की फिश और कैट है, ठीक है, कॉन्फिस्केट मींस जब्त करना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मींस निष्कासित करना। एक्सपेल्ड, एक्सपेल माने जानते हो ना, किसी चीज को बाहर निकालना, तो एक्सपेल्ड मींस निष्कासित, ये याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है इंप्यून, बहस करना। इंप्यून से बना लो एक पियोन, पियोन होता है ना चपरासी, एक पियोन जो था वो आपसे बहस करने लगा कि आप टाइम से क्यों नहीं आती है, ये बार बार गेट खोलना पड़ता है, तो ना तू पियोन है, कौन है, है? तू मालिक है यहां का, ठीक है। इंप्यून, एक पियोन से आपकी बहस हो गई, इंप्यून मींस बहस करना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने इनेट और जन्मजात। आपने देखा इन्हें तो नेट चाहिए बचपन से, जन्मजात मतलब बचपन से ही बच्चों को आदत ये आ रही है, जन्मजात एक प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इनको क्या चाहिए, नेट, फोन दे दो और नेट दे दो, इन्हें तो नेट चाहिए, एक जन्मजात चीज, मतलब कि एक बीमारी, बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट लत आ रही है बच्चों में, इनेट मींस जन्मजात। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी, और इसका मतलब होता है अनिवार्य, जो काम करना कंपलसरी हो, ओके। तो ऑब्लिगेटरी आप कैसे बनाओगे, उबले हुए ट्री चाहिए गेट पर, यानी कि अब एक ये नियम बनाया जा रहा है कि सभी को अपने गेट पर उबले हुए ट्री लगाने हैं। देखिए, ऑब्लिगेट ट्री, उबले हुए गेट पर क्या लगाने हैं, ट्री, ये अनिवार्य है सभी को। अब कैसे लगाने हैं वो तुम देखो, उबालोगे कैसे, ओके, ऑब्लिगेटरी मींस अनिवार्य। नेक्स्ट है बच्चों बिट्रेयल, और इसका मतलब होता है विश्वासघात। फ्रेंड्स, देखिए, एक दिन आपने अपनी बीवी को, देखिए बी ट्रेल तो बीबी को गिफ्ट देने के लिए कार खरीदने गए बीबी के साथ। अब वहां पर गए तो ट्रायल तो लेते ही है, ट्रायल लेते नहीं लेते कार का, तो आपकी वाइफ बोलती है कि गिफ्ट मेरा है ना, तो ट्रायल कौन लेगा, मैं, तो आप भी बैठने लगे, तो आपकी भी बोलती है कि ए जी, क्या आप मुझे कॉन्फिडेंट नहीं समझते हो, मैं अकेले चला सकती हूं। उन्होंने, यानी कि आप उतर गए
और बीवी को अकेले जाने दिया। अब क्या हुआ, ट्राय लेने के चक्कर में जो आपकी बीवी थी वो कार लेकर किसी और के साथ आगे वो खड़ा हुआ था, भाग गई। अब देखिए कितना बड़ा विश्वासघात किया कि एक तो बीवी चली गई और उसके पैसे कौन देगा, क्योंकि तुम तो वहीं खड़े हुए थे, मालिक ने आपको पकड़ लिया। तो कितना बड़ा विश्वासघात किया कि बीवी ने ट्रायल लेने के चक्कर में आपको इतना बड़ा विश्वासघात किया कि बीवी भी चली गई और पैसे भी कार के तुम्हीं को भरने पड़े। बिट्रेयल मींस विश्वासघात। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने इंप्लीकेशन, और इसका मतलब होता है अनुमान। फ्रेंड्स आप एक अनुमान लगा रहे हो कि अगर आप इमली, इमली की चटनी के साथ अगर रोटी खाते हो, इमली के साथ एक इंप्लीकेशन यानी इमली की चटनी के साथ अगर आप रोटी खाते हो तो कितनी रोटी खा लोगे, आप एक अनुमान लगा रहे हो। वैसे कितनी खा लोगे सोनू, तू कितनी खा लेगा? ओके, इंप्लीकेशन मींस अनुमान। नेक्स्ट है बच्चों इंटरफेरेंस। ओके, इसका मतलब होता है दखल अंदाजी। फ्रेंड्स इंटरफियर करते हैं ना, सेम इंटरफेरेंस आपको याद हो जाएगा, दखल अंदाजी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सिक्वेंस, और इसका मतलब होता है परिणाम। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कौन से एग्जाम के परिणाम आ गए, यानी रिजल्ट आ गए, कहते हैं ना कौन से टेस्ट या एग्जाम के परिणाम आ चुके हैं। कॉन्सिक्वेंस मींस परिणाम, ठीक है। आप एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स ये आपने कर लिए होंगे, चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब होता है शामिल या सम्मिलित। फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं इनको कॉर्पोरेट हाउसेज में सम्मिलित किया जाए, इनको कॉर्पोरेट हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउस होते हैं ना बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं उनको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड हाउस में शामिल किया जाए इनको। नेक्स्ट है लेड डाउन, और इसका मतलब होता है निर्धारित। फ्रेंड्स आप निर्धारित कर रहे हैं कि कौन कौन लेट कर काम करेगा और कौन कौन बैठकर करेगा और कौन कौन खड़े रहकर करेगा। रात वाले जो है वो आराम से डाउन लेट कर और आराम से काम करेंगे। ओके लेट डाउन, आपने सबका काम निर्धारित कर दिया है। ओके लेट डाउन मींस निर्धारित। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड, और इसका मतलब होता है एकीकृत। इंटीग्रेटेड आप बोलो कि इनकी जो टी है चाय, इनकी जो चाय है वो इतनी ग्रेट है कि सबको एकीकृत मतलब यूनाइट कर देती है, यानी कि एकीकृत जानते हो ना सबको, यूनाइट का मतलब क्या होता है, सबको यूनिटी बना देती है, मतलब कि यूनाइट कर देती है। ओके इनकी टी इतनी ग्रेट है कि सबको एकीकृत कर लेती है, ठीक। नेक्स्ट है देखिए एक्सक्लूडेड, छोड़ा हुआ, एक्सक्लूड जानते हो ना जिस चीज को छोड़ देते हैं, इंक्लूड माने सम्मिलित करना और एक्सक्लूड माने छोड़ देना, तो एक्सक्लूडेड मीन्स छोड़ा हुआ। नेक्स्ट है जेनेरिक, और इसका मतलब होता है सामान्य, ठीक करता हूं सामान्य। ओके सो जेनेरिक से क्या आता रहा है बच्चों, जेनेरिक कुछ याद आ रहा है जेनेरिक, चलिए जेनेरिक को भी छोड़ देते हैं आगे कर लेंगे। ब्रॉड मींस होता है विस्तृत और चौड़ा, ब्रॉड माने सब जानते हैं, ब्रॉड माने क्या होता है बड़ा चौड़ा या विस्तृत। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेलर, और इसका मतलब होता है तारा संबंधी। फ्रेंड्स इस टेलर के पास, एक टेलर जो कपड़े बनाते हैं ना दर्जी, इस टेलर के पास तारा संबंधी सारे डिजाइने हैं, कैसे भी कपड़े बनवा लो सब तरफ तारे लगा देगा, ठीक है। स्टेलर मींस तारा संबंधी। नेक्स्ट है बच्चों क्लीशे, और क्लीशे का मतलब होता है घिसा पिटा, कोई भी मुहावरा हो या कोई चीज बहुत ज्यादा बोली गई हो और वो नीरस हो गई हो, मतलब कि आउट ऑफ फैशन, तो क्लीशे से क्या याद आ रहा है बच्चों, क्लीशे कुछ याद आ रहा है, क्लीशे आपको मालूम पहले कली देते थे, कली से प्रपोज करते थे, देखिए क्लीशे से कली से, अब वो घिसी पिटी चीज हो गई, कोई कली नहीं देता, हाँ अब पूरा बुके उठा के दे देता है, हाँ? क्लीशे मींस घिसा पिटा। नेक्स्ट है बच्चों हैकनेड, और इसका मतलब भी साधारण, ये यही होता है घिसा पिटा या साधारण, हैकनेड। हाँ हैकनेड से क्या आ रहा है, कोई नीड मेरी, बोले साधारण नीड नहीं होनी चाहिए, नीड जब ज्यादा हो यानी जरूरत ज्यादा बड़ी हो ना तभी मुझे बुलाना, है कोई नीड, देखिए हैकनेड से है कोई नीड, बट वो साधारण नहीं होनी चाहिए, जब बड़ी जरूरत या नीड हो ना तब मुझे बुलाओ, हैकनेड मींस साधारण। नेक्स्ट है क्रोनी, और इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। फ्रेंड्स क्रो means कौआ और नी मतलब एक आपका कौआ बहुत अच्छा दोस्त है, करो बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र है जो आपके नी पर बैठा रहता है हमेशा, आप चलते हो तो नी पर उसे बांधना पड़ता है, बैठे हो तो बैठ जाता है वो, जब चलते हो तो नी पर बांधकर लटका कर ले जाते हो, ठीक है। क्रोनी मींस
घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट है बच्चों एम्बोल्डेंड मींस उत्साहित। फ्रेंड्स आप कह रहे हो कि अच्छा तू बॉल कर, आप एकदम जोश में आए, उत्साहित थे और कहा कि तू बॉल कर, तू एक बॉल कर और मैं डंडे से मारूंगा। आपने जोर से घुमाया, डंडे से बॉल लगी नहीं और आपका जो डंडा था वो हाथ से छूट गया और ताऊ जी की नाक पे आपका उत्साह सारा निकाल दिया। इम्बोल्डेंड ओके, आपने क्या कहा कि तू बॉल कर और आज डंडे से मैं इसको मारूंगा, आप बहुत उत्साहित थे, इतना में याद हो जाएगा इम्बोल्डेंड मींस उत्साहित। नेक्स्ट है डिसग्रंटल्ड मींस असंतुष्ट मींस नाराज। तो देखिए डिश गर्म नहीं थी, यानी खाना जो आपके पास आया तो वो जो डिश थी वो गर्म नहीं थी, तो आप बिल्कुल असंतुष्ट थे और बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी आपके अंदर और आपने बोला दोबारा से तल के लिए कराओ इसको, मुझे बिल्कुल गर्म चाहिए थी कि डिश ग्रंटल्ड, डिश गर्म नहीं है, इसको दोबारा से तल के लिए कराओ, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे ओके, डिसग्रंटल्ड मींस असंतुष्ट। नेक्स्ट है होमोजीनियस और इसका मतलब होता है एक रूप ओके। देखिए होमोजीनियस, होम में अगर एक होम में अगर सारे जीनियस बिठा दिए जाएं या कुछ दिन के लिए रख दिए जाएं तो उनका रूप एक जैसा हो जाएगा, नहीं होगा, सबकी आदतें एक जैसी हो जाएंगी। आपने देखा होगा जब आप थोड़े दिन के लिए एक साथ रहने लग जाते हैं किसी के तो आदत वैसी ही हो जाती है, तो आप क्या करोगे कि होम में जीनियस अगर रख दिया तो जीनियस तो होते ही ऐसे कि एक दूसरे की क्वालिटीज ले लेते हैं, होमोजीनियस मींस एक रूप। नेक्स्ट है बच्चों इनक्रिमिनेट, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। फ्रेंड्स देखिए इन या क्रीम ले सकते हो और नेट, नेट जानते हो जाली, आपने अपनी क्रीम ली और किसी की जाली पे लगा दी, जाली कौन सी होती है, नेट होता ना, यस एग्जैक्टली, अब बस इसी बात पे दोषी ठहरा दिया आपको कि आपने अपनी क्रीम नेट पर क्यों लगाई, और कुछ बन सकता है इसका, इस इनक्रिमिनेट और कुछ बन सकता हो, किसी को याद आ रहा है कुछ इनक्रिमिनेट, मुझे तो यही दिमाग में आ रहा है कि खेलने की जाली या फिर नेट, जानते हो ना नेट, टेनिस वगैरह खेलते हैं, हाँ क्या होता है टेनिस होता है, क्या होता है वो बैडमिंटन, चलिए ठीक है इनक्रिमिनेट, आपने क्रीम नेट पर लगा दी और दोषी ठहरा दिया गया आपको ठीक है। नेक्स्ट है डिसीडेंट और इसका मतलब था असहमत। फ्रेंड्स अगर देसी दंत, हमारे देसी दंत हैं और विदेशी ब्रश से हम, आपने देखा विदेशी चीजों से हम लोग अपने दांत साफ करते हैं, देसी दंत हैं तो ये दोनों सहमत नहीं है, हमारे दंत सहमत नहीं है, तभी तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, क्यों, दोनों में सहमति ही नहीं है, क्योंकि दंत तो हमारे कैसे हैं देसी, डिसीडेंट से क्या बना देसी दंत, और हम अंग्रेजी चीजों से हम लोग उनको साफ करते हैं, तो डिसीडेंट मींस असहमत। नेक्स्ट बच्चों कमोशन और इसका मतलब होता है हंगामा। फ्रेंड्स कमो आंटी का एक सन है जो हमेशा हंगामा करता रहता है, आपको कौन कमो, कमो आंटी, हाँ बाजू में जो रहती है, नहीं याद, अच्छा तो कमो आंटी आजू बाजू मिल जाती है ऐसे आंटी, उनका जो सन है ना वो हमेशा आता है बस हंगामा शोरगुल करता रहता है, कमोशन मींस हंगामा। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास विम्स और इसका मतलब होता है सनक, कुछ लोग सनकी लोग जो होते हैं तो उनके अंदर जो सनक होती है ना उसको बोलते हैं मीनिया, काइंड ऑफ मीनिया जानते हो। अब देखिए विम्स से कैसे याद कराओगे, एक हमारा हमारे पड़ोस में एक बंदर रहता है, अब उसके अंदर सनक चढ़ गई थी कि विम साबुन आता है बर्तन धोने का, विम साबुन जानते हो, विम साबुन से उसको कपड़े धोने हैं, अब उसके अंदर क्या ये सनक चढ़ गई थी, अब उसकी मम्मी समझा समझा के थक गई कि विम साबुन से कपड़े नहीं धुलते, उससे तो बर्तन साफ किए जाते हैं, लेकिन उसकी सनक कि विम साबुन से क्या धोएगा वो कपड़े धोएगा, तो होते हैं ऐसे सनकी ठीक है, तो विम ओके, विम साबुन निकाल लिया हमने इससे, विम्स मींस सनक। नेक्स्ट है बच्चों एडवोकेसी और इसका मतलब होता है वकालत या हिमायत, तो एडवोकेट जानते हो ना जो वकालत करते हैं, तो एडवोकेसी आप उससे याद कर सकते हो, एडवोकेसी मींस वकालत या फिर हिमायत या समर्थन ओके। फ्रेंड्स एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों लास्ट ये और रह गई, इसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाई माइंडेडनेस और इसका मतलब होता है उच्च विचारधारा। फ्रेंड्स इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, देखिए हाई माने आप मालूम है उच्च और माइंडेडनेस मींस विचारधारा, इजीली याद हो जाएगा, हाई माइंडेडनेस मींस उच्च विचारधारा। नेक्स्ट है अनरूली मींस बेकाबू, आप जिसको काबू में नहीं कर सकते हो, यानी जिस पर रूल नहीं कर सकते हो, अनरूली मींस बेकाबू। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पलीफाई और इसका मतलब होता है उदाहरण देना। फ्रेंड्स बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से याद हो जाएगा, एग्जाम्पलीफाई मींस
उदाहरण देना। नेक्स्ट है बच्चों रिजेंटफुल, इसका मतलब होता है क्रोधित। फ्रेंड्स पिछली किसी वीडियो में मैंने बताया था रिजेंटमेंट, रिया ने सेंट डाल दिया था मिंट में और वो खराब हो गया था खाना, तो इसलिए क्रोध गुस्सा आ गया। इसमें देखिए वही है, रिजेंटफुल हो गया तो क्रोधित याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिग्नेंट, इसका मतलब भी क्रोधित होता है। अब आप कैसे याद करोगे इसको, इन माने मैं, डिग माने खोदना गड्ढे में, और आपने सारी नान डाल दी, आपको खाना दिया था मम्मी ने और आपने क्या किया, डिग पहले गड्ढा खोदा, इन मैं, इन डिग और नन जितनी भी नाम थी वो सारी डाल दी। अब मम्मी क्या हो गई, क्रोधित, फिर आपका क्या किया होगा पता नहीं। ओके इंडिग्नेंट मींस क्रोधित। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिवाइस, और इसका मतलब होता है आविष्कार करना। फ्रेंड्स जितने भी डिवाइस हम देखते हैं जैसे फोन है और जो भी चीजें, वो सब आविष्कार ही तो हुए हैं, ठीक है। तो डिवाइस बहुत सिंपल है, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइस जो है वो आविष्कार ही किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रक्स, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का निचोड़ या फिर जड़, कहते हैं ना कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्रक्स से बना लो क्रैक्स, कुछ खाने की चीज आती है बच्चों की क्रैक्स, वो लड़ाई की जड़ कभी कभी हो जाती है ना, दो बच्चों और एक ही क्रैक्स का पैकेट आपने दिलवा दिया, तो ये लड़ाई की जड़ हो सकती है, हो सकती नहीं, हो सकती, हुआ है तुम्हारे साथ कभी नहीं, अच्छा ठीक है, क्रक्स निचोड़ या फिर जड़। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्म, और इसका मतलब होता है झुंड। फ्रेंड्स स्वर और आराम से, जब झुंड में गाते तो आपने देखा सबके स्वर आराम से निकलते हैं, अकेला गाए तो आवाज हिल जाती है, हिल जाती है ना, हाँ ढहल जाती है बिल्कुल। तो स्वार्म से आप बना लो, स्वर और आराम से कब निकलेंगे, जब बहुत सारे लोग एक साथ गा रहे हो, कोरस कह सकते हैं, बहुत लोग गा रहे हो, अकेले में गाओगे तो आपकी आवाज अरिजीत सिंह जैसी तो नहीं निकलेगी। स्वार्म मींस झुंड। नेक्स्ट है बच्चों सिंपथाइज, सिंपथाइज मींस सहानुभूति रखना, सिंपति से याद हो जाएगा, सिंपति मतलब सहानुभूति होता है, ठीक है, सिंपथाइज मींस सहानुभूति रखना। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास हेलो, और इसका मतलब होता है पवित्र। फ्रेंड्स ध्यान रखना कि कोई इंसान आपकी गलती के बावजूद भी आपको आगे से आके हेलो करे तो उसका जो मन है ना वो बहुत पवित्र है, बहुत साफ सुथरा है आपके लिए। दोबारा समझ लीजिए कि कोई भी इंसान आपकी गलती, आपने गलती की बट फिर भी वो आगे से आपको हेलो कह रहा है तो वो बहुत पवित्र, यानी उसका हार्ट जो है, उसका दिल जो है वो बहुत पवित्र है, ठीक है, हेलो मींस पवित्र। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूरियस, आग बबूला, बहुत गुस्से वाले होते हैं ना, फ्यूरियस लोग होते हैं, तो इसको भी वैसे कराने की जरूरत नहीं, फ्यूरियस सब लोग जानते हैं, फ्यूरियस का मतलब आग बबूला होता है। नेक्स्ट है बच्चों पैट्रनाइज मींस आश्रय देना, आश्रय जानते हो ना, रहने के लिए जगह दे देना या थोड़ा सा सहारा देना, तो पैट्रनाइज से क्या याद आ रहा है बच्चों, पटरी पर नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि पटरी होती है ट्रेन, ट्रेन की पटरी, उस पर नहीं देनी चाहिए जगह रहने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है, उससे अलग हटकर देनी है। देखिए पैट्रनाइज, पैट्री पटरी पर ना ही देनी चाहिए, आश्रय नहीं देना चाहिए, उनको रहने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, उसके अलावा कहीं भी दे देना चाहिए, ठीक है, पैट्रनाइज मींस आश्रय देना। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास स्टैचूटरी, स्टैचूटरी मींस होता है कानूनी। फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो कि स्टैचू तोड़ी तुमने, ये स्टैचू जो है वो तोड़ी तुमने, अब यहां पर कानूनी कार्यवाही होगी, तुमने ये स्टैचू क्यों तोड़ी, देखिए स्टैचू स्टैचूटरी, ठीक है, स्टैचूटरी मींस कानूनी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास रेप्रीमांड, और इसका मतलब होता है फटकारना। फ्रेंड्स आप बोल रहे हैं कि रिया, प्रिया की कौन कौन सी डिमांड थी, रिया से पूछ रहे हैं कि प्रिया की कौन कौन सी डिमांड थी, तो जब उन्होंने बताया कि मेरी बस ज्यादा डिमांड नहीं थी, एक मतलब आईफोन की थी, एक नेकलेस, हाँ दो तोले का, और एक स्कूटी, कार नहीं स्कूटी बहुत है, तो फिर अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने फटकार नहीं गई, तू रख गई इतना सारा पैसा यहां पर है, कहां से लेकर आऊं मैं इतना सब कुछ, आपने पूरी तरह से फटकार लगाई है, तू कमा के देती है, ओके। तो रिया, प्रिया की जो डिमांड थी, जब आपने पहले डिमांड सुनी और उसके बाद जो तुमने फटकार लगाई उसमें, ओके, रेप्रीमांड मींस फटकारना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन मींस झुकाव। फ्रेंड्स जब प्रिया की फेवरेट डिश बनती है, प्रीडिश प्रिया की फेवरेट डिश बनती है, तो उसकी पोजीशन कैसी हो जाती है, मम्मी के आगे, मम्मी के आगे बिल्कुल हाथ जोड़कर, क्या मम्मी बताओ क्या काम करूं, बर्तन साफ कर दूं, क्योंकि फेवरेट डिश बन रही है, तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा जब मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं तो आजू बाजू में घूमते हैं, हाँ थोड़ा सा मैं भी साथ में काम करा दूं, ओके। तो प्रिया जो है
उसमें झुकाव आ जाता है, यानी नरम पड़ जाती है वो, कि हाँ बिल्कुल मैं करने के लिए। प्रिया की जब फेवरेट डिश बनती है तो उसकी पोजीशन कैसी हो जाती है? झुकाव। ओके, प्री डिस्पोजिशन। एंड लास्ट हमारे पास क्रिटिक, और इसका मतलब होता है आलोचना, किसी की भी बुराई। बताइए बच्चों, क्रिटिक से याद हो जाएगा, क्रिटिक तो सब लोग जानते हैं, क्रिटिक मीन्स आलोचना होता है। फ्रेंड्स इनको और एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारे शब्द याद हो गए होंगे, वीडियो को कई बार देखें, रिवीजन जरूर करें और सारे वर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।